नमस्कार मित्रों मित्रों आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए आजीवन स्वस्थ रहने के कुछ घरेलू उपाय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों हम सभी लोगों ने यह कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वस्थ शरीर ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। एक सुखी स्वस्थ जीवन के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने आप को सार्वजनिक एवं निजी जीवन में सफल देख पाएंगे। इसके विपरीत एक अस्वस्थ इंसान हमेशा तनावग्रस्त, हताशा और परेशान दिखता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन का पूरा आनंद उठाना है तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना अत्यंत ही आवश्यक है। जिस तरह से अच्छा घर, पैसा, गाड़ी हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी इन चीजों का सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे। मित्रों आइए कुछ साधारण और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बिंदुओं पर आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। मित्रों रोजमर्रा के आदतों में थोड़ा बहुत सुधार करके एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। दिनचर्या से जुड़ी स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए सबसे पहले हमें पानी पीने के तरीके और नियमों का पता होना चाहिए। मित्रों धरती पर पानी अमृत के समान है। पानी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, इसलिए कोशिश करें कि आप पानी प्रचुर मात्रा में पिएं। पानी की मात्रा अवस्था के अनुसार ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार एक स्वस्थ इंसान को 10 से 15 गिलास पानी पीना अनिवार्य है। खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में दर्द की बीमारी होती है, इसलिए खाना पीना बैठकर करना चाहिए। मित्रों ज्यादा ठंडा पानी न पिए, इससे आपके हृदय और पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए अगर संभव हो तो हल्का गर्म पानी पिए, अन्यथा सामान्य पानी का ही प्रयोग करें। मित्रों सुबह उठते ही कम से कम 2 ग्लास सामान्य पानी पिए। रात में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह के समय में पीना बहुत ही उपयोगी है। मित्रों खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी पिएं और भोजन के 1 घंटे बाद पानी का सेवन करें। सोने से पूर्व भी 1 गिलास पानी पीना चाहिए। मित्रों पानी कभी भी अधिक मात्रा में एक साथ न पिएं। बेहतर होगा घूंट घूंट कर पानी पिएं। मित्रों भोजन के बीच में पानी पीने से पाचन तंत्र में गड़बड़ हो सकती है। मित्रों अब बात करते हैं नींद की मात्रा व उसकी गुणवत्ता पर। मित्रों आपने सुना होगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी कि उचित समय से सोना और जगना, यानी कि सूर्योदय से पहले उठना और रात्रि में खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। मित्रों नींद की मात्रा व गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। रात्रि में सोने का अधिकतम समय सीमा 10 से 11 और सुबह 4 से 5 के बीच होनी चाहिए। मित्रों नींद की मात्रा व गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। रात्रि में सोने की अधिकतम समय सीमा 10-11 बजे से सुबह 4 से 5 बजे के बीच होनी चाहिए। इस तरीके से आप 6 से 7 घंटे की नींद आराम से ले सकते हैं। 6 से 7 घंटे की नींद का अंतराल होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों कभी भी बेड से सीधे न उठें, पहले साइड में करवट लें, फिर बैठें और उसके बाद उठें। मित्रों पेट के बल सोने से बचना चाहिए। पीठ के बल सोएं अथवा बाएं या दाएं करवट लेकर सोएं। मित्रों गद्दा सख्त होना चाहिए, तकिया बहुत सॉफ्ट या हार्ड नहीं होना चाहिए। मित्रों रात्रि में सोने से पूर्व दांतों की सफाई, नेत्रों की सफाई एवं पैरों को शीतल जल से धोकर सोना चाहिए। मित्रों रात्रि में शयन से पूर्व अपने किए गए कार्यों की समीक्षा कर अगले दिन की कार्य योजना बनानी चाहिए। तत्पश्चात गहरी एवं लंबी सहज श्वास लेकर शरीर को एवं मन को शिथिल करना चाहिए। शांत मन से अपने दैनिक क्रियाकलाप, तनाव, चिंता, विचार सब परमात्मा चेतना को सौंप कर निश्चिंत भाव से निद्रा
की गोद में जाना चाहिए। मित्रों अब निद्रा के बाद बात आती है स्वास्थ्यप्रद भोजन की। मित्रों भोजन सादा करो एवं उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करो, शांत प्रसन्न और निश्चिंतता पूर्वक करो और उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाओ। खाते समय न बात करो और न हंसो, एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए। मित्रों खाना हमेशा संतुलित मात्रा में खाएं, अर्थात भूख से कम ही खाएं। मित्रों भोजन के तुरंत बाद दौड़ना, तैरना, नहाना, मैथुन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मित्रों स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करें, जंक और फास्ट फूड जैसी चीजों को कम खाएं। वैसे कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ना ही खाएं। मित्रों प्रोसेस्ड फूड की जगह ताजे फल सब्जियों को प्राथमिकता दें। मित्रों संभव हो तो एक दिन व्रत यानी कि उपवास अवश्य रखें, जिससे आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होकर रिकवर हो सके। मित्रों दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है, इसे कभी मिस न करें। नाश्ते के रूप में अंकुरित अनाज, पोहा, उपमा, बीटा फ्लेक्स आदि ले सकते हैं। साथ ही एक गिलास दूध अथवा फ्रूट जूस को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। मित्रों लंच में चावल, दाल, सलाद, दही व सब्जियों को शामिल करें। देर रात डिनर में गरिष्ठ खाना खाने से बचें और सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले डिनर ले लें। मित्रों हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।